हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा बेस्ड रहेगा ऑन द टॉपिक सुपर कंप्यूटर व्हिच इज नेम्ड एज परम गंगा। ये न्यूज में क्यों था वहां से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जितने भी इसके कीवर्ड्स हैं, सुपर कंप्यूटर होता क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है और ये हमारे इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये न्यूज में क्यों था। सो व्हाई वाज इट इन न्यूज? इट वाज इन न्यूज That the National Supercomputing Mission, इसके बारे में भी हम रीड करेंगे कि ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है क्या और ये इंडिया ने कब लॉन्च किया था और ये क्यों इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो हैज एम्प्लॉयड परम गंगा अ हाई परफॉर्मेंस कॉम्प्यूटेशनल फैसिलिटी एट IIT रुड़की। अब देखिए, अगर आपसे प्रिलिम्स का यहाँ पर क्वेश्चन बनता है तो वो आपसे पूछेंगे कि जो परम गंगा है वो डिप्लॉय कहाँ किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज डिप्लॉयड एट IIT रुड़की। इसका काम क्या है? विद अ सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ 1.66 पेटाफ्लॉप्स। अब देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, दैट इज सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या था, कि कब लॉन्च किया गया था, इसका एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कीवर्ड यहां पर एग्जिस्ट करता है, दैट इज व्हाट इज अ सुपर कंप्यूटर। पहली बात तो सुपर कंप्यूटर ही क्या होता है, इसकी क्या फंक्शनिंग है, राइट। और तीसरा यहां पर कीवर्ड यूज हुआ है दैट इज 1.66 पेटाफ्लॉप्स। अब देखिए यहां पर पेटाफ्लॉप्स का मतलब क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में रीड करेंगे, राइट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले की पॉइंट्स देख लीजिए, ये क्या है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय CDAC। अब CDAC क्या है, इट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग अंडर द अप्रोच ऑफ NSM, दैट इज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अब सुपर कंप्यूटिंग मिशन को हम जब देखेंगे तो ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MeitY काम करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, राइट। तो यहां पर ये इसके अंडर वर्क करता है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। CDAC जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो फंक्शन करती है MeitY के साथ मिलके अंडर द मिशन ऑफ NSM, राइट। सो ये डिप्लॉय किसके द्वारा किया गया है, CDAC के द्वारा किया गया है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड बिल्डिंग अ पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर विद मैन्युफैक्चर्ड इन इंडियन कॉम्पोनेंट्स। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी कॉम्पोनेंट्स इस सुपर कंप्यूटर में यूज हुए हैं वो सारे के सारे कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुए हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं। इसीलिए ये जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सुपर कंप्यूटर ये हमारे इंडिया का पहला है। पहला सुपर कंप्यूटर हमारे इंडिया का वॉज परम 8000, बट यहां पर जो कॉम्पोनेंट्स यूज किए गए थे वो जो कॉम्पोनेंट्स थे वो इंडिजिनसली मेड नहीं थे। तो जो परम गंगा है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ के जितने भी कॉम्पोनेंट्स जो हमने लगाए हैं सुपर कंप्यूटर में, इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ठीक है जी। इज टू लीड द पाथ टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि जितने भी कॉम्पोनेंट्स हम जो सुपर कंप्यूटर में लगा रहे हैं वो जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हो, जिससे कि हम आत्मनिर्भर भारत को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, राइट। सो टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी, जो आपकी इनोवेशन की फील्ड है, वहां पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कॉम्पोनेंट्स लगाए जाएं मैन्युफैक्चरिंग में वो जो हो इट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, राइट। सो वी नीड टू एक्सेलरेट द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इन मल्टी डिसिप्लिनरी डोमेन साइमल्टेनियसली। अब देखिए, ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये सुपर कंप्यूटर्स बहुत सी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। जहां पर भी आपको लार्ज स्केल कंप्यूटिंग चाहिए, मतलब आपको रिजल्ट्स बहुत ज्यादा क्विक चाहिए, वहां पर हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें वेदर फोरकास्टिंग करनी है, अब वेदर फोरकास्टिंग के लिए हेल्प किसकी लेते हैं, हम सैटेलाइट्स की हेल्प लेते हैं, बट उसको हमने क्या करना है, एनालिसिस भी तो करना है, राइट। So, उसको एनालाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पीड ऑफ द कंप्यूटर शुड बी वेरी फास्ट, राइट। तो यहां पर सुपर कंप्यूटर्स का रोल आता है। तो जो भी आपके फैसिलिटीज, मल्टी डिसिप्लिनरी फैसिलिटीज हैं, वहां पर हम सुपर कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दीज वर द की पॉइंट्स। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज अ सुपर कंप्यूटर? देखिए सुपर कंप्यूटर क्या है, इट इज अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स एट और नियर द करंटली हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट फॉर कंप्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या कोई भी आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उनसे जो कंप्यूटेशनल स्पीड है उसकी काफी ज्यादा फास्ट होगी, काफी ज्यादा फास्ट, राइट? सो सुपर कंप्यूटर का एक्चुअली में मेन मकसद क्या है कि कोई भी ऑपरेशंस करना वो ऑपरेशंस हाईएस्ट स्पीड पे पॉसिबल हो। ठीक है जी, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, जनरली पेटाफ्लॉप इज अ मेजर ऑफ कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेटाफ्लॉप्स? अब देखिए पेटाफ्लॉप्स का मतलब ही क्या है, जब हम एनालाइज करते हैं, जब हम मेजर करते हैं किसी भी सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी ज्यादा हो सकती है, कितनी ज्यादा हम एनालाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं उस डेटा को, दैट बिकम्स, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ पेटाफ्लॉप्स, राइट? सो फ्लॉप्स का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। मतलब जो भी हमने डेटा दिया है वो पर सेकंड कितना जल्दी प्रोसेस हो सकता है उसको कहा जाता है फ्लॉप्स, विच इज अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लॉप्स, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, राइट? सो इट इज यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर्स प्रोसेसर। जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस कितनी फास्ट है, कितनी एक्यूरेट है, राइट? वो हम डिनोट करते हैं फ्लॉप्स में। ठीक है, सो पेटाफ्लॉप्स का मतलब क्या हुआ, देखिए पेटाफ्लॉप्स आपका यहां पर एग्जिस्ट करता है जो कि 10^15 फ्लॉप्स है। फ्लॉप्स क्या है कि हम कितनी ऑपरेशंस पर सेकंड कर पा रहे हैं। सो पेटाफ्लॉप्स का मतलब क्या हो गया कि उसकी जो स्पीड है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10^15 से, राइट? सो इट इज वेरी वेरी फास्ट। ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे यहां पर योटा फ्लॉप्स एग्जिस्ट करता है। योटा फ्लॉप्स क्या है, 10^24, सो दैट मींस इनकी स्पीड और भी ज्यादा है। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे कि यहां पर हम प्रोसेसिंग स्पीड की बात कर रहे हैं, जो भी हम डेटा उसमें इनपुट की तरह डालेंगे वो आउटपुट प्रोसेस करके कितनी जल्दी दे देगा, दैट इज नोन एज फ्लॉप्स। ठीक है जी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट पेटाफ्लॉप्स। अब आपको पता है हमने जो परम गंगा है वो 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। सो पेटाफ्लॉप्स का मतलब क्या है, 10^15, दैट मींस इसकी स्पीड कितनी होगी, दिस, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, सो सुपर कंप्यूटर का मेन एजेंडा क्या है कि वो कितनी जल्दी एनालाइज, कितनी जल्दी प्रोसेस कर सकता है डेटा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसके यूजेज क्या है, जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो प्राइमरली दे आर डिजाइंड टू बी यूज्ड इन एंटरप्राइजेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट रिक्वायर मैसिव कंप्यूटिंग पावर। जिनको मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए वहीं पर हम सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें वेदर फोरकास्टिंग में, साइंटिफिक रिसर्च में, इंटेलिजेंस गैदरिंग में, या फिर कोई भी हमें एनालिसिस करना है वहां पर हम यूज करेंगे। सो अगेन आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी जो एडवांटेजेस हैं किस सेक्टर में है, ये आपको ऑलमोस्ट हर सेक्टर में देखने को मिलेगा, राइट? सो आप क्या मार्क कर सकते हैं, जितने भी डिसिप्लिन्स एग्जिस्ट करते हैं उन डिसिप्लिन्स में हम सुपर कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। जहां पर भी हमें मैसिव कंप्यूटिंग सर्विसेज चाहिए वहां पर हम सुपर कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन? सो ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ये 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद क्या था, इट इज टू एनहांस द रिसर्च कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज इन द कंट्री बाय कनेक्टिंग देम टू फॉर्म अ सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड विथ नेशनल नॉलेज नेटवर्क एज द बैकबोन। अब यहां पर दो चीजें यूज हुई हैं, एक है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का मकसद क्या है, जो भी इंडिया की कैपेसिटी है
कैपेबिलिटी है जिससे जितने भी हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं उन सर्विसेज में हम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाए। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम अपने इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स बना पाए जिससे कि हम अपनी सर्विसेज को एनहांस कर पाए। दिस इज नंबर वन। नंबर टू यहां पर यूज हुआ है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। अब देखिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या है, इट इज एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट इंडियन नेटवर्क विच विल बी केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योर एंड रिलायबल कनेक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क का मकसद क्या है कि जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या हो, सिक्योर हो और रिलायबल हो। ठीक है जी। सो यहां पर भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी बैकबोन कौन कहलाता है, दैट इज द नेशनल नॉलेज नेटवर्क। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी। सो दो कीवर्ड्स हैं, एक एनएसएन जो कि मिशन है, इसकी बैकबोन कौन बनाता है, दैट इज नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक है जी। सो ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, ये आपकी आपको इंप्लीमेंटिंग एजेंसी याद रखनी है। ये मैं ऑब्जेक्टिव्स आपको बता चुकी हूँ, हम क्या करना चाहते हैं, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं इंडिया की, जिससे कि हम जो भी नेशनल और ग्लोबल लेवल पे जो भी रेलेवेंस है इसकी उसको हम एनहांस कर पाए। राइट। सो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपको याद रखनी है कौन कौन सी है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है जी। ये हम हेल्प किससे ले रहे हैं, सीडैक से हेल्प ले रहे हैं। सीडैक क्या है, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि लोकेटेड है कहां पर, दैट इज पुणे एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज बेंगलुरु। सो यहां पर ऑटोनॉमस कुछ तो मिनिस्ट्रीज है और कुछ हम ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प ली जा रही है। तो यहाँ पर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी पे आपसे प्रिलिम्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है। सो एक तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। उसके बाद ये किसके साथ हेल्प किसके साथ कोलैबोरेशन करके बैठा है, दैट इज सीडैक एंड आईआईएससी। दोनों ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं और दोनों ही ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है जी। सो यहां पर हम फंक्शंस देख लेते हैं, क्लाइमेट मॉडलिंग अगर करनी है, वेदर प्रिडिक्शन करनी है, ऐसे ही डिजास्टर सिमुलेशंस अगर प्रोवाइड करनी है। अब ये मैसिव स्केल पे कंप्यूटिंग चाहिए, तो अगर जहां पर भी आपको मैसिव स्केल पे कंप्यूटिंग चाहिए तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सुपर कंप्यूटर्स का यूज करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस वॉज, अब देखिए कीवर्ड्स हमने सारे पढ़ लिए, कौन कौन सा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन पढ़ लिया, ठीक है, उसके तहत हमने नेशनल नॉलेज नेटवर्क पढ़ लिया, उसके बाद हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ लिया, इसकी कहां कहां पर एडवांटेजेस हैं वो हमने देख ली, और सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन ही क्या है वो भी हमने रीड कर लिया। What do you mean by petaflops? That is also been read. ठीक है जी। So this was the holistic coverage of सुपर कंप्यूटर विच इज नेम्ड एज परम गंगा। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।